और भाई टोंक की घाट थाना इलाके में 80 किलो अवैध गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांजा कार में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि तेलंगाना निवासी सानिगर पापू विजय कार से सवार होकर नेशनल हाईवे 12 से गुजर रहा था। इस दौरान चल रही नाकाबंदी में जब पुलिस ने उसकी कार को रोकने का इशारा किया तो आरोपी कार को मोड़कर भागने में सफल होने लगी और कोशिश करने लगा। इसी दौरान मुस्तैद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जांच लगातार जारी है।